ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त और बाजार इंसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 28 अप्रैल के लिए चार लो प्राइस इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेके। तो पहले बात तो ये है, मैंने यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो CEP होता है यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है उसके बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। मैं एक वॉच लिस्ट भेज देता हूँ स्टॉक्स का जो कॉल पुट है उसका, उसके बाद उसके अंदर जिस प्राइस में उसको एक्टिवेशन आता है तब मैं मैसेज भेजता हूँ व्हाट्सएप में, और जब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना होता है तभी मैसेज भेजता हूँ। स्क्रीन शॉट तो ऐसे मैंने दे ही दिया है। तो ये पूरा एक मेंटरशिप कम एक लाइव मार्केट सपोर्ट है, तो अगर आपको लगे ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, छोटा सा फीस है इसका 799 पर मंथ का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते आज के वीडियो के ऊपर, और कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा ऑटो सेक्टर स्टॉक टाटा मोटर्स के ऊपर, और टाटा मोटर्स ने आज कमाल का यहाँ पर काम हुआ। मॉर्निंग में हम लोग देखे ऊपर ओपन हुए, उसके बाद नीचे आया, दोबारा ऊपर चला गया, बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स था आज। तो जिन लोगों ने आज इसके अंदर दोनों साइड में काम किया, दोनों साइड पे इसका प्रॉफिट आया है, लेकिन कल मेरे हिसाब से ये ऊपर चल सकते हैं क्योंकि इसका जो सिनेरियो था वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यहां पर डबल बटन में बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं फिर भी अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है, तो कल ये ऊपर चल सकता है, वही मेरा व्यू रहेगा। लेकिन हम लोग इंट्राडे में दोनों साइड पे लेवल्स देखेंगे। 434 के ऊपर अगर चले जाते और एक भी 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं वहाँ से उसको बाय करेंगे, और 424 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। मैं चार्ट खोल के एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा एक व्यू शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस। हड़बड़ी मत कीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत यहाँ पर हड़बड़ी कर लेते हैं, वेट नहीं करते हैं, यहाँ पर पेशेंस का कमी है, इमोशंस ज़्यादा है। ये सारे चीज़ को कंट्रोल कीजिए अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो, ठीक है। सेकंड व्यू में जाने से पहले कल मैंने जो वीडियो दिया था उसको रिव्यू कर देते हैं। तो कल फास्ट स्टॉक था हम लोगों का BEL का। BEL के अंदर हम लोगों का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था मॉर्निंग में ही, 250 के नीचे क्लोजिंग दिया था, उसके बाद देखिए 242.8 का लो लगाया, जो कि दोनों टारगेट हिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जो लोग BEL के अंदर शॉर्ट सेल किए थे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि फ्री है, अगर आपको मतलब वहां पर नहीं है, आप वहां पर होना जरूरी है क्योंकि यहां पर जो चार व्यू होता है वो वहां पर शेयर किया जाते हैं। उसके साथ जब भी मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं, अगर ये जो व्यू मैं देता हूं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना होगा तो वहां पर मैं अपडेट दे देता हूं, प्रॉफिट बुकिंग का अपडेट देता हूं जिस दिन जैसे जरूरत हो, हर एक दिन नहीं। तो वहां पर होना आपका जरूरी है ताकि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, फ्री है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड था टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर भी हम लोगों का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था सेकंड कैंडल में, उसके बाद आप देखिए इसने लो लगाया 245 का, जो कि लगभग हम लोगों का सेकंड टारगेट हिट हुआ। फास्ट टारगेट तो बहुत बढ़िया हिट ही हुआ, उसके बाद भी सेकंड टारगेट के आसपास हिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था टाटा पावर्स के अंदर। थर्ड था हम लोगों का वाटी। वाटी के अंदर क्या हुआ आप देखिए, यहां पर हम लोगों का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था, उसके बाद नीचे आ गए, लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस वहां पर इंटैक्ट रह गए, उसके बाद दोबारा हम लोग ऊपर चले गए 761.5 का, यानी कि टारगेट के आसपास हिट हुआ, तो इसके अंदर भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया। और फोर्थ एंड फाइनल था SBI के अंदर कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं आता, हालांकि सेलिंग लेवल काटा था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था हम लोग का लेवल के नीचे, तो यहां पर ये एक्टिवेशन नहीं हुआ था। तो ये चारों में से तीनों स्टॉक के अंदर एक्टिवेशन हुआ, तीनों के अंदर ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। तो ऐसे चार व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और पास में एक बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। अब चल पड़ते हैं हम लोगों का जो कल के लिए सेकेंड रहेगा वो रहेगा IOC इंडियन ऑयल, एक ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर आज ऊपर ओपन हुए, नीचे आया, दोबारा ऊपर खींचा और एक यू शेप यहां पर बनाया।
आप ये ऊपर काट सकते हैं कल ही कल, मेरा व्यू रहेगा ऊपर, लेकिन दोनों लेवल ही हम लोग देखेंगे, इंट्राडे है, कुछ भी हो सकता है। तो 129 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से वहां से IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हम लोग बाय करेंगे, और 124 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। कैश का लेवल है दोनों, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। थर्ड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कल किसी टेक्निकल वजह से शुरू नहीं कर पाया था, आज से ये हम लोग शुरू करेंगे। तो जो दोस्त अभी तक ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे मैसेज किए थे, तो आप अभी भी मैसेज कर सकते हैं। 8:30 से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, 8:30 से ये स्टार्ट होगा। 5 डेज का क्लास रहेगा, 8:30 से 9:30 डेली एक क्लास वहाँ पर रहेगा, मतलब टोटल 5 क्लास 1 घंटे करके रहेगा। उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, पूरा चीज़ें वहाँ पर मैं सिखाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, एक मास्टर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वहाँ पर मैं सिखाऊंगा, उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा पूरा वहाँ कॉम्पैक्ट, एंड वहाँ पर एक आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर ट्रेनिंग होगा। ऐसा नहीं आप, मैं खाली बोलूँगा, आप लोग भी वहाँ पर मुझे सवाल कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो अगर आपको लगे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1599 इसका फीस है, तो अब अगर आपको लगे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फटाफट से सीट बुक कीजिए। चल पड़ते हैं हम लोगों का जो थर्ड व्यू है उसको देख लेते हैं। थर्ड व्यू रहेगा हम लोगों का इंडियन होटल के ऊपर, कुछ ही दिनों से इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैं भी पहले भी आप लोगों को बोला था कंसोलिडेशन हो रहा है, किसी दिन ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो अभी हम लोग कल 240 के ऊपर अगर जाते हैं, एक भी 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, वहां से उसको बाय करेंगे, और 235 के नीचे अगर आते हैं और एक भी 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूं, अपने अपने रिस्क कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। फोर्थ एंड फाइनल व्यू में आने से पहले स्क्रीन पे देखिए, मेरा कैश सेगमेंट के ऊपर व्हाट्सएप सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। अगर आपको कैश सेगमेंट के ऊपर मेरा सपोर्ट चाहिए, लाइव मार्केट में एक अलग से स्टॉक मैं बताता हूं और लाइव मार्केट में उसको गाइड करता हूं कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है। तो ये एक मेंटरशिप भी आप बोल सकते हैं, और ये लाइव मार्केट सपोर्ट है। इसका छोटा सा फीस है 599 पर मंथ का। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा निफ्टी ऑप्शन के ऊपर लाइव मार्केट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप में। तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है, यहां पर भी लाइव मार्केट सपोर्ट मिलेगा और एक कॉल वहां पर मिलेगा आपको निफ्टी के ऊपर, निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बाय साइड में, ठीक है। 699 पर मंथ इसका फीस है। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। चल पड़ते हैं फोर्थ एंड फाइनल में, लेकिन उसके पहले और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करके जाऊंगा। बहुत मेहनत करके दोस्तों, पूरा दिन ट्रेडिंग के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाते हैं, एडिट किया जाते हैं, बहुत मेहनत लगता है उसके लिए। तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि इस कार्यक्रम को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो कल से दोबारा आ जाएगा। मार्केट बहुत वोलाटाइल, इसीलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ, जानबूझ के एक ही जगह पर खड़ा है। तो थोड़ा मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना कोई भी स्टॉक के ऊपर। अगर आपको कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाहिए, स्टॉक का नाम लिखिए, मैं एक दो दिन में लाइव आऊँगा आप लोगों को, आपके लिए वहाँ पर वो चीज़ें मैं बताऊँगा। प्रीवियसली जो लोग वहाँ पर कमेंट किए थे वो भी कमेंट कर सकते हैं, स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, कोई भी सुझाव वो देख सकते हैं, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने के लिए। तो कॉमेंट एंड वहाँ पर लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके जाना। फोर्थ एंड फाइनल व्यू जो रहेगा वो रहेगा कनाडा बैंक के अंदर, कैन बैंक के अंदर कुछ ही दिनों से डाउन ट्रेंड था, लेकिन ये अच्छा खासा, ये अगर आप रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा सा जगह पर इसने रिट्रेस लिया है 50%। ये यहाँ से बहुत बढ़िया ये टॉप को काटेगा, आप कुछ ही दिनों से, कुछ ही दिनों के अंदर ये टॉप को कट सकता है ये। तो 233 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से बाय करेंगे, और 226 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से सेल करेंगे। तो दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर मैंने दे दिया हूँ, अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, एंड स्क्रीन में दो चीजें मैं जोड़ रहा हूं, मेरा जो शॉर्ट वीडियो आता है उसका प्लेलिस्ट, और एक चीज है निफ्टी के ऊपर मैंने एक लाइव किया था कैसे रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उसको भी जाके देख लेना। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट आज, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।